हेलो फ्रेंड्स सो अगेन वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन सीरीज आज हम बात करने वाले हैं अनादर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन दैट इज हाउ टू रीड एन एक्सप्रेशन कि यदि आपको पाइथन में कोई एक्सप्रेशन रीड करना है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इवेल मैथड इवेल्युएशन मैथड बोलते हैं इसको दिस इज बेसिकली यूज फॉर एक्सप्रेशन तो कॉन्सेप्ट यह है कि एक्सप्रेशन इवेलुएशन का मतलब क्या है बड़ा सिंपल सा और बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है दैट्स वो बिल्कुल कवर करेंगे तो लेट्स सी कि वॉट इज ल मैथड एंड हाउ टू रीड एक्सप्रेशन इन पाइथॉन की अगर आपको पाइथॉन में किसी एक्सप्रेशन को रीड करना है देन हाउट इज पॉसिबल लेकिन उसके पहले बेलाइकॉन बटन पर क्लिक करिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए ताकि वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है ठीक तो अब देखते हैं यहाँ पे आप देखो क्या बात कर रहे हैं हम इसको दो तरीके से देखते हैं सपोज यदि मेरे पास एक वेरिएबल है ए एंड सपोज आई एम है टेन प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री है ना ये एक एक्सप्रेशन है ओके okay. तो अगर अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है इफ आई वॉन्ट टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन ओके सो सिंपली प्रिंट मैथड विल इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन विन दिस कॉल इवेल मैथड अगर मैं लिखता हूं प्रिंट इवेलुएट दिस ए सो आई विल गेट द रिजल्ट ऑफ इवेलुएशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन अब क्वेश्चन आता सर ये तो डायरेक्ट ए को लिखते तो भी प्रिंट हो जाता बिल्कुल सही है तो अभी मैं आपको मेथड का बता रहा हूं डोंट वरी तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा ठीक है अरे बॉडमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा ना ओके तो ये तो सिंपल है चलिए आप बोलते सर ये तो इवेल मेथड के बिना भी हो सकता था डायरेक्टली ए लिखते सो दैट आई गेट द आंसर लेकिन यदि सपोज करिए आप एक्सप्रेशन यूजर से रीड करना चाह रहे हैं इफ यू वॉन्ट टू रीड एनी एक्सप्रेशन फ्रॉम यूजर एंड यू वॉन्ट टू कैलकुलेट इट ठीक है यदि मान लो मैंने ऐसा लिखा ए इक्वल टू इंट इनपुट और यहां पर आपने मैसेज दिया सपोज एंटर एन एक्सप्रेशन एंटर एन एक्सप्रेशन अब ये एक्सप्रेशन जो यूजर एंटर करेगा रन टाइम पे ठीक है यदि आपको इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके प्रिंट करना है सो हियर विल गो विद दिस Method. तो यदि आप simply इसको लिखते ठीक है तो यदि मान लो पे. अब अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन दिएट में भी एनीथिंग फाइव इन टू मान लो मैसेज आया एंटर एन एक्सप्रेशन क्योंकि कई बार क्या होता है हम कुछ एक्सप्रेशन जूदर से जैसे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो आप चाहते हैं डायरेक्टली आपको यूजर से एक्सप्रेशन रीड करना है सो दैट टाइम वी यूज दिस इवेलुएट मैथड इवेल मैथड राइट अब यदि आप डायरेक्टली यहां पर लिखते हैं फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स माइनस फोर डिवाइड बाई टू यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन रीड इन दिस ए एंड एवेलुएट मैथड विल एवेलुएट दिस एक्सप्रेशन एंड गिवज द रिजल्ट टू यू ठीक है तो जब भी आपको लगता है कि पाइथन में आपको कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएशन करना है या एक्सप्रेशन को रीड करना है सो दैट विल गो फॉर दिस ईवेल मैथड वहां पर हम इस ईवेल मैथड को यूज करते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है ओके okay, तो समझिए इसको और अगर कहीं भी लगता है ईवेल मैथड का यूज तो जस्ट गो विथ दैट और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ थैंक यू